मैं सर प्रसिद्ध हूँ, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने करंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। आशा करते हैं बेस्ट होंगे और अपनी तैयारी को बेहतरीन कर रहे होंगे। देखिए साथी, जो यहाँ पर सभी प्रशिक्षकों के लिए है, डीएलएड के चाहे जिस भी सेमेस्टर में आप पढ़ते हो, चाहे जिस सेमेस्टर के एग्जाम देने वाले हों, चाहे प्रत्यावेदन वाले हों, चाहे ऐसे कोई भी प्रशिक्षु हों, चाहे जिस भी सेमेस्टर के आप एग्जाम देने वाले हों, डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर, बैक, सभी प्रशिक्षकों के लिए एक तरह से हम आपको एक संज्ञान में रखना चाहते हैं किसी एक चीज़ के। हम आपको बहुत पहले भी ये सारी चीज़ें बता रखे हैं, लेकिन फिर से एक बार बताने का प्रयास करते हैं। अगर आप समझ जाते हैं तो बहुत बेहतर होगा, अन्यथा कंडीशन में इसका भुगतान आपको खुद करना पड़ेगा। जैसे कि कल हम सभी प्रशिक्षकों की बात कर रहे हैं, देखिए कल क्या हुआ था कि ग्रुप में जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें भी बहुत सारे अभ्यर्थियों ने कहा है कि सर 6,000 रुपये 7,000 रुपये कोई ले रहा है और एडमिट कार्ड दे रहा है प्रत्यावेदन वालों का, है ना, रिलीज कर रहे हैं, प्रत्यावेदन निकलवा रहे हैं। तो ठीक है, खैर अगर निकलता हुआ आपने देखा है 6,000 7,000 में, तो आप भी लेकर निकलवा लीजिए, खैर कोई बात नहीं है, ठीक है ना। और लिंक वाले व्यक्ति ऐसे व्यक्ति हैं तो खैर ठीक है, उनसे बोल दीजिए कि अपना आधार कार्ड दे दें आपको, लेकिन एक चीज़ नसीहत ले लीजिएगा, उनसे अपना आधार कार्ड लीजिए, मतलब उनका आधार कार्ड लीजिए और उनसे मिल कर दीजिए पैसा, ऐसे आपको ट्रांसफ़र नहीं करना, उनको बुलाइए या फिर वहाँ पर खुद आप जाकर पैसे दीजिए उनको, एक प्रकार से उनकी वॉइस रिकॉर्डिंग भी आप करिए, ठीक है ना। और जो प्रशिक्षु यह कह रहे हैं कि भाई बहुत अभी देखना ना, ये एग्ज़ाम हो जाएगा ना तो स्क्रूटनी वाला जो रिजल्ट, मतलब इस तरह से स्क्रूटनी प्रोसेस स्टार्ट होता है, फिर उसके बाद क्योंकि हर एग्ज़ाम के बाद एक स्क्रूटनी प्रोसेस स्टार्ट होता है, तो ऐसे में बहुत सारे महारथी ऐसे आएंगे कि स्क्रूटनी दे के, मतलब स्क्रूटनी के लिए पैसे लेंगे और बहुत सारे हमारे प्यारे प्यारे छोटे छोटे नन्हे नन्हे मुन्ने मुन्ने बच्चे जो हैं उसमें फंस जाते हैं, उस जाल में फंस जाते हैं, है ना। उस जाल में फंसने के बाद क्या होता है कि पैसे उनसे दबोच लिए जाते हैं, पैसे का दुनिया है भाई, उसको दबोचेंगे यह बिना बताए कि हम क्या हैं क्या नहीं हैं। एक तरह से कुछ लोग तो ऐसे कहेंगे चलो आ जाओ व्हाट्सएप पे कॉल रिकॉर्डिंग पे बात करो, है ना, वॉइस रिकॉर्डिंग बात करो व्हाट्सएप पे, मतलब उनका कॉल भी रिकॉर्ड ना कर पाओ। कुछ लोग ऐसे भी अभ्यर्थी हैं, मतलब एक तरह से हैं भाई, अब उनको क्या ही नाम दिया जाए, उनको कुछ और ही नाम दो, बादशाह के ऊपर वाला जो नाम होता है ना, जो मुगल भी नहीं रखा करते, तो बादशाहों के बादशाह होते हैं ऐसे लोग, ठीक है ना। और सच में जाल और पहले से बुंद कराते हैं कि हमें यह करना ही है, करना है, समझ रहे साथी। देखिए आप लोग से विनम्र विनती है, आप लोग भी ऐसे काम धंधा बंद करो, अगर आप लोग करते हैं, अगर आप लोग किसी के जाल में फंस रहे हैं तो बंद करो फंसना। अगर बहुत बड़ा लिंक है तो आप सच में भाई लिंक वाले हैं तो लिंक वाला व्यक्ति कभी ऐसे नहीं करता है कि मतलब आपसे पैसे मांगेगा, कॉल पे पैसे मांगेगा, कहेगा कि इस अकाउंट पे ट्रांसफ़र करो, हम आपको अपना यह चीज़ देते हैं, यह चीज़ ले लो तुम मेरा, है ना, ऐसे नहीं करेगा। वो साफ साफ अगर साफ सुथरा सॉरी अगर वो साफ सुथरा वाला इंसान होगा ना तो आपसे खुद बोलेगा आप आओ मिलो, आधार कार्ड लो और पैसे हाथ से दे लो, और जो भी चीज़ें अगर हमसे चाहिए ले लो, अन्यथा कंडीशन में अगर नहीं काम हुआ तो पैसे वापस हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर वो पैसे ना वापस के चक्कर में रहता है ना तो आपसे क्या करेगा कि पैसे तो लेगा लेकिन आपको अपना आधार कार्ड नहीं देगा, ऐसे सारी चीज़ें। तो प्रत्यावेदन वाले प्रशिक्षु जितने हैं उनके एडमिट कार्ड 25 से पहले पहले अगर आना होगा तो आ जाएगा 25 तक, अगर एग्ज़ाम इन वाले प्रशिक्षुओं के साथ होना हो तो। एडमिट कार्ड का मतलब कि उनका डेट सीट रिलीज होगा और डेट सीट में अगर जिनका नाम होगा उन्हीं का एडमिट कार्ड आएगा। अब ऐसे में कितने अभ्यर्थी होंगे अभी यह भी नहीं कहना चाहेंगे क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थियों को एक तरह से दुख होगा भाई, क्योंकि भाई इतने सारे अभ्यर्थी 8,000 9,000 उसमें आने वाला है मात्र 4,000 6,000 7,000 ही बच्चों का, है ना। तो ऐसे में उनका का नाम भी है कि आपका और बच्चों का जुलाई में कराया जाएगा, तो ऐसे में आप लोग 16 तारीख को जा रहे हैं वहाँ पर बात करेंगे कि सर अगर एग्ज़ाम लेना ही है तो अभी ले लीजिए भाई, क्यों हमको जुलाई तक करवा रहे हैं। इस तरह से हमारा अगर सीटेट यूपीटेट 2022 वाला हो गया तो वो भी मान्य नहीं होगा, है ना, समझ रहे हैं हमारी बातों को, समझ रहे होंगे आप लोग। और आप लोग परेशान ना हो, आप लोग के एग्ज़ाम होंगे और कोई सूचना होगा तो आप ज़रूर, हम आपको एक सूचना से आगाह करना चाहते थे इस पूरे प्रोसेस से, तो हमने बता दिया आपको। अगर आपको पसंद आया हो ये वीडियो, लास्ट तक बने थे तो बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं हम आपके। और इस वीडियो को शेयर इतना करिए कि सच में हमारे हर एक डीएलएड प्रशिक्षु के पास पहुँच जाए, जो डीएलएड 2021 बैच के हैं, 17 बैच के हैं, 18 बैच के, 19 बैच के, अब आगामी जो भी बच्चे आएंगे, है ना। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है ऐसे प्रोसेस से गुजरना, अब पड़ता है बहुत सारे अभ्यर्थी माइंड डिस्टर्ब हो जाते हैं, कुछ भी पैसे देने के लिए तैयार हो जाते हैं, बाद में फंस जाते हैं तो कहते हैं भैया मेरा पैसा फंस गया बताओ कैसे करें। भैया आप बताए थे देने के लिए, जब देना था तो आपने पूछा नहीं, अब फंस गया पैसा तो पूछ रहे हो भैया बताओ पैसे वापस कैसे लें उनसे, ठीक है भाई। तो वापस लेने का तो कोई मतलब ही नहीं निकलता है, वह खुद ही फुर्र हो जाएगा, समझ रहे हो ना, नंबर नंबर सब ब्लॉक कर देगा आपका। और ऐसे में आप लोग बच सकते हैं, आप नागरिक हैं भारत के, पढ़े लिखे हैं, ग्रेजुएट हैं, डीएलएड हैं, बीएड हैं, तो ऐसे में आप लोग को सारी यह संगीनता से बचनी चाहिए, ठीक है सचिव। धन्यवाद, आप इस वीडियो को प्यार दीजिए, शेयर करिए जिससे कि और भी हमारे बच्चे, मतलब प्रशिक्षु बच्चे इस अपराध से। धन्यवाद।